हम इंसान इस पृथ्वी के रहस्यों को जानने में लगे हैं, लेकिन ये नीला ग्रह अपने गर्भ में कितने रहस्यों को छिपाए हुए हैं, ये कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल माइंड कैफे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं था। अगर कोई आपसे पूछे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे 24 घंटे। ये तो रहा साधारण सा सवाल, पर दोस्तों आज से 6 करोड़ साल पहले एक दिन सिर्फ 21 घंटे 54 मिनट का हुआ करता था। दरअसल चंद्रमा, सूरज व दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में आने वाले ज्वार भाटों के कारण पृथ्वी की कक्षा में बदलाव आता रहता है, और हर 100 साल में एक दिन का समय 1.7 मिली सेकेंड कम होता रहता है। 2011 में जापान में आए भूकंप के कारण एक दिन का समय करीब 1.8 मिली सेकेंड कम हो गया था। पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी। दोस्तों, पृथ्वी पर गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। वैज्ञानिक मानते हैं आज से करीब 100 करोड़ साल बाद सूर्य आज से 10% चमकदार और गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद गर्मी इतनी भयानक हो जाएगी कि समुद्र का पानी भी सूख जाएगा। 750 साल बाद पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह रेगिस्तान में बदल जाएगी, और सूर्य इतना भयानक हो जाएगा कि मरकरी, वीनस और हमारा चंद्रमा भी खत्म हो जाएगा। हमको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी गोल है, पर यह ऐसी नहीं है। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है, या ऐसा कह सकते हैं कि यह बीच में ज़्यादा गोल है। दरअसल भूमध्य रेखा की ओर पृथ्वी अपनी कक्षा में इतनी तेजी से घूमती है कि इसका आकार ऐसा ही हो गया है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों, आप सभी और जानते हैं कि पर्वतों की ऊंचाई सी लेवल से नापी जाती है। अगर हम पृथ्वी के गर्भ से पर्वतों की ऊंचाई नापें तो माउंट चिम्बोरासो सबसे ऊंचा पर्वत होगा। दोस्तों, आपको पता है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप लोग सोच रहे होंगे कि एंडिस पर्वत श्रृंखला, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का केवल 10% भाग ही हमें दिखता है, और बाकी भाग समुद्र की गहराइयों में है। इसे हम मिड ओशन राइज सिस्टम के नाम से जानते हैं। 1950 में किए गए सर्वे के अनुसार इसकी लंबाई 80,000 किलोमीटर है, और ये एंडिस पर्वत श्रृंखला से 200 गुना अधिक लंबी है। भूचुंबकीय क्षेत्र का पलटना। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी के दो ध्रुव एक प्राकृतिक चुंबक की तरह काम करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र को पलटती रहती है, और आने वाले समय में भी ऐसा होगा। पर चिंता की कोई बात नहीं, इसका हम पर कोई नुकसान नहीं होगा। बस दुनिया के सारे कंपास खराब हो जाएंगे। इसका नुकसान समुद्र जीवों को हो सकता है, क्योंकि इन्हीं चुंबकीय तरंगों के द्वारा ये अपना भोजन ढूंढते हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। असमान ग्रेविटी। दोस्तों, आप सबको लगता होगा कि पृथ्वी पर ग्रेविटी हर जगह समान है, पर आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा का हडसन बे एक ऐसा ही उदाहरण है। यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी के अन्य जगहों की तुलना में काफ़ी कम है। माना जाता है कि यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ व सतहों के बीच पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी कम है। सन 2009 में अंतरिक्ष में भेजी गई एक सैटेलाइट से पृथ्वी की अलग अलग जगहों की ग्रेविटी नापी गई थी, जिसमें इस जगह के बारे में पता चला था। वैसे ही पृथ्वी पर यह अकेली जगह नहीं है, ऐसी और भी जगह है जहाँ अनइवन ग्रेविटी है। छिपा हुआ समुद्र। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वैज्ञानिकों ने करीब 660 किलोमीटर जमीन के नीचे छिपे हुए समुद्र की बात की है। माना जा रहा है कि इस समुद्र में पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी समुद्रों से 3 गुना ज़्यादा पानी है। ये पानी लिक्विड में नहीं है, बल्कि एक बड़ी सी नीली चट्टान के रूप में है, जिसे रिंग बुडाइड नाम दिया गया है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि आज जो समुद्र सतह पर है, वो भी ऐसे ही पृथ्वी के नीचे इसी रूप में था, और भौगोलिक गतिविधि के कारण आज सतह पर है। तो दोस्तों, आप पृथ्वी से जुड़ी कौन कौन सी बातें नहीं जानते थे, या आप पहले से जानते थे, हमको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।